गाइस आज बहुत दिनों के बाद मेरे असिस्टेंट मिस्टर फलाना जी ने मेरे को एक ऐसा चैलेंज दिया जिसको एक्सेप्ट करके मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हुई। आज हम लोग एक ऐसे माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड के अंदर कदम रखने वाले हैं जहां पर है गाइस ओपी ओपी कस्टम स्ट्रक्चर्स, जिसमें से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स के अंदर बहुत ही तगड़ी ओपी लूट है। एंड मेरा काम है गाइस मैक्सिमम ओपी स्ट्रक्चर को ढूंढना, इनके अंदर लूट मचाना एंड देन एंडर ड्रैगन को मारना। तो क्या आज मैं एंडर ड्रैगन को मार पाऊंगा कंप्लीट नेदरराइट आर्मर के साथ? जानने के लिए मेरे साथ बने रहे इस वीडियो के अंदर। एंड गाइस अगर तुम लोगों को ये वाला कंटेंट पसंद आता है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज अब तुम लोग सब्सक्राइब करोगे तभी मेरी चौट बढ़ेगी। Enjoy the video. So guys, अपने OP world के अंदर हम लोग कदम रख चुके हैं और guys इस world के अंदर इतने magical structures है ना कि जब तुम लोग उन structure को देखोगे भाई तुम्हारे मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। और मैं कोशिश करूंगा guys कि उनमें से maximum structures को आज मैं find करूं Ender Dragon को मारने से पहले। तो मेरे टैडी भाई क्या तू तैयार है OP structures को find करने के लिए? हाँ स्मार्टे भैया, मैं एकदम तैयार हूँ, बहुत मजा आएगा। बट सबसे पहले तो भाई अपने को सारा का सारा बोरिंग काम करना पड़ेगा जो हर बार करना पड़ता है, जो कि लकड़ियां खोदना एंड कुछ टूल्स वगैरह बनाना देन खुद को अपग्रेड करना। एंड गाइस आज का चैलेंज इतना सिंपल नहीं होने वाला है, मैं खुद को आयरन में अपग्रेड करने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ इन ओपी स्ट्रक्चर्स के अंदर की लूट के साथ, ओनली एंड ओनली। ओके, मैं माइनिंग नहीं करने वाला आज की वीडियो में, ये मेरे चैलेंज का गाइस एक सब पार्ट है आज का। एंड अब इतने ओपी स्ट्रक्चर्स को गाइस ढूंढना है तो मैं चाहता नहीं कि जब मैं उनको ढूंढने जाऊं तो मेरे पेट के अंदर से गुड़गुड़ो, तो इसके लिए मुझे करने पड़ेंगे मर्डर। सॉरी पिगी, तुम लोगों को मरना पड़ेगा। क्या करे मेरे भाई लोग, भूख का सवाल है और जैसा कि मेरा दोस्त एसडीओ बोलता है, पापी पेट का सवाल है भाई, कुछ नहीं कर सकते। ओह माय गॉड, मेरे को यहाँ पर एक बिल्लू मिला, दिस मींस आसपास एक विलेज है। यस यस भाई, बहुत ही लकी स्पॉन था, मुंह के सामने एक विलेज मिल चुका है। ठीक है, फटाफट गाइस इस विलेज को मैं अभी यहाँ पे लूट करने वाला हूँ एंड देन उसके बाद हम लोग जाने वाले ओपी स्ट्रक्चर को फाइंड करने के लिए। आई एम सो एक्साइटेड। ओ माय गॉड भाई, मुझे वहां पर क्या दिख रहा है वो? मेरे को अपना ना रेंडर रिसर्च थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। 25 चंक्स रखते हैं। ओ माय गॉड, क्या वो एक ओपी वुडलैंड मैंशन है? नो वेज, अभी ये वुडलैंड मैंशन नहीं है गाइस, ये सैंड लैंड मैंशन, बिकॉज ये कंप्लीटली सैंड का बना हुआ है। ओ भाई, मैं तो उसके अंदर जाके अभी और इस वक्त इसको लूट करना चाहता हूँ यार। बट यू नो व्हाट, वहां पर जाने से पहले थोड़ा सा खुद को मैं अच्छा बनाना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसे करते हैं भैया, थोड़ा खाने पीने का जुगाड़ करते हैं एंड जितनी लूट इस विलेज के अंदर मिल सकती है मैं वो करने वाला हूँ। यस, लेदर के बूट मिले, किसी भी टाइप के प्रोटेक्शन मिले गाइस, मैं तैयार उसको लेने के लिए। पेट पूजा करने के लिए खाना लेंगे यहाँ से चोरी करके। आई एम सॉरी फार्मर, तेरी और तेरे बच्चे की आंखों के सामने मैं तेरी क्रॉप्स को चोरी कर रहा हूँ यार। पापी पेट का सवाल है भाई, क्या करे? ओ यस, आर्मर मिला। देखो गाइस, मैंने तुम लोगों को बोला था कि अपग्रेड करूंगा खुद को तो ओपी लूट के साथ, माइनिंग नहीं करूंगा, बट मैंने ये नहीं बोला था कि भाई विलेज के अंदर की लूट को भी मैं नेगलेक्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्या, यस गाइस बहुत सारा आयरन मिला एंड मुझे इसको उतारना पड़ेगा लेदर के बूट्स को। ओ माय गॉड, आर यू सीरियस? यहाँ पर एक है और वहां पर दूसरा है, दो ब्लैकस्मिथ्स है इस विलेज के अंदर। ओ यस, चल भाई चल भाई, यहाँ पर क्या मिलेगा? ओ माय गॉड, कितना सारा आयरन है, 10 आयरन मिल गया मेरे को और साथ ही साथ एक आयरन की पिकेक्स भी मिल गई मेरे को भाई। ओके गाइस, मेरा सारा का सारा काम यहाँ पे हो चुका है, बस अपने को ये हेबेल निकालनी है ताकि मैं थोड़ा बहुत और फूड बना सकूं, बिकॉज उस सैंड लैंड मेंशन के अंदर गाइस हमें मिलने वाली है वैक्सेस। ओके, जो हवा में उड़ती है ना ऐसे तोते की तरह, वो लिटरली स्पीकिंग गाइस बहुत ज्यादा खतरनाक होती है और उसके सामने ऐसे ही पंगे नहीं ले सकता हूँ। खाने का जुगाड़ अपने पास होना चाहिए। चलो भाई चलते हैं। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे गाइस ये नॉर्मल वुडलैंड मेंशन से ज्यादा बड़ा लग रहा है, ये है ना, या फिर वुडलैंड मेंशन में इतना ही बड़ा होता है, आई डोंट नो। ओ माय गॉड भाई, ये कितना ज़रा ब्यूटीफुल है पास से देखने के लिए, और मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि ये असली सैंड है या फिर हमें सिर्फ ठगाया जा रहा है। द मैंशन अंडर द हॉट डेजर्ट सन, भाई कुछ नई टाइप की एडवांसमेंट मिली है मेरे को एंड ये सैंड स्टोन ही है। अबे यार कितना बड़ा है, दूसरी साइड से इसकी एंट्रेंस स्टार्ट हो रही है शायद से। एंड यहाँ पर गाइस, यस यहाँ पर एक ये भी है, आई हैव अ प्लान। ओके, मैं यहाँ पर ऐसे ही रिस्क नहीं लेने वाला अंदर जाके, यहाँ से मैंने ये लेके चलता हूँ अपने लिए, अगर सिचुएशन गाइस खराब हो गई गलती से भी तो मैं लावा की बकेट का इस्तेमाल करने वाला हूँ। एंड भीतर जाने से पहले भैया सो जाते हैं एक बार, लेट्स गो गाइस। सिर्फ एक काम करते हैं, भागने का रास्ता बना के रखते हैं। ओके, मैंने अपने लिए शील्ड नहीं बनाई थी, अभी शील्ड बना दिया, मैं बहुत बड़ी बेवकूफी करने वाला था अभी यहाँ पे लिटरली स्पीकिंग। ओ अबे 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 अबे, वुडलैंड मेंशन के अंदर भी मुझे तुझसे लड़ना पड़ेगा, तब तो भाई हो गया मेरा है। बाकी ऐसे चल, मुझे बस यहाँ पे ओपी ओपी लूट चाहिए गाइस। ओके, ये तो गाइस वो बंदा है, नहीं इसके गड़े में नहीं फंसता, इसके गड़े में नहीं फंसता, ये मुझे वन शॉट कर सकता है लिटरली। अभी मेरे पास इतने कम हर्ट से ऑलरेडी बचे हुए, लेट्स ओ यस। झाड़ रखी इन लोगों ने, हद कर रहे भाई तुम लोग तो यार, इस झाड़ फूट के लिए थोड़ी है हमें यहाँ पर इस मैंशन के अंदर भाई। चल यहाँ से निकल, वन शॉट। यहाँ पर एक विंडिकेटर की बदसूरत सी मूर्ति बनी हुई है, लेट्स सी इसके अंदर तो नहीं है कुछ लूट रखी हुई। Nope. Okay, ये है गाइस हमारा चेस्ट रूम और यहाँ पर सारी की सारी चेस्ट हमारी खाली होती है। ओ हम लोग गाइस जेल के अंदर पहुंच चुके हैं, जो इनकी जेल होती है।
यस। जेल के अंदर भाई क्रीपर भर के रखे हुए इन लोगों ने यार, कितने फनी है यार लेकिन। ओ नो 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 नो, जा 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 जा। ओ माय गॉड, मैं वन हर्ट टू गाइस, आई मीन वन शॉट टू मैं भी रहा। ओ माय गॉड, अभी मेरे को स्केलेटन भी आ रहा मार एक साइड से। नहीं रे नहीं रे नहीं रे नहीं रे, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं बच गया। एक शॉट का बचा था ये बंदा सिर्फ और सिर्फ। ओ गाइस, इस वाले के अंदर ना यहाँ ऊपर होती है एक चेस्ट। यस, इस चेस्ट के अंदर क्या है, सब कुछ बकवास है, बस एक बकेट मिली है। तो गाइस यहाँ से एक चीज साबित हो चुकी है कि ओपी लूट के नाम पर हमारा कट चुका है। कोई ओपी लूट नहीं है इस मैंशन के अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ एक ओपी स्ट्रक्चर है। मैं तो भाग रहा हूँ यहाँ से, मेरे को नहीं रहना इसके अंदर भाई अब। सो गाइस, अगर नेदर के अंदर मेरे को सर्वाइव करना है, मेरे को ना फुल आयरन चाहिए और सिर्फ 6 आयरन इंगट बचे मेरे पास, जिसका भी आएगा सबसे पहले मैं अपने लिए ये बनाने वाला हूँ। मुझे गाइस ओपी स्ट्रक्चर चाहिए। ये क्या है भाई मुझे सामने? ओके भाई, ये वाला स्ट्रक्चर मैंने पहली बार देखा। और यहाँ पे ग्लास लगा हुआ है, अंदर बेड लगे हुए हैं, ये क्या है? इसकी एंट्रेंस क्या है? यहाँ से एंट्रेंस है इसकी? ओ माय गॉड, ये किसी ने डर्ट का हाउस बनाया हुआ है यहाँ पे। इट वॉज अ हॉबिट होल। अच्छा, ये इग्लू है। जैसे हमारा इग्लू होता है ना भाई, ये वैसा ही है देखने के लिए। और इसमें एक बेड लगा हुआ है, तो क्या इसके नीचे यहाँ पर वो होगा? ना, इसके नीचे वो नहीं है। और भाई कुछ ही बोले, कितना मस्त है बनाया हुआ है ना, छोटा सा इग्लू, वो भी ग्रास का। देखो एक और यहाँ पर इग्लू मिला, एंड यहाँ पर फर्नेस है लगी हुई। फर्नेस उठा देते हैं यार, एंड क्या इसके नीचे? यस, इसके नीचे वो है, मैंने बोला था ना गाइस, ये हमारा इग्लू ही है। और इसके नीचे गाइस वो वाला सीक्रेट टनल हो सकता है, जिसके अंदर शायद से हमारे विलेजर्स रखे होते हैं। ओके, यहाँ पर मुझे एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज मिल सकती है शायद से, देखते हैं। यस, देखो गाइस, ये हमारा विलेजर है और ये हमारा ज़ॉम्बी विलेजर है। तो इसको मैं यहाँ पे क्योर कर सकता हूँ स्प्लैश पोशन ऑफ वीकनेस के साथ, लेकिन मैं नहीं करूंगा, तो कैसे मेरे किसी काम का नहीं है। एंड यस गाइस, देखो एक फ्री का गोल्डन एप्पल मिल गया, एंड इनफैक्ट गाइस मुझे कोल भी मिल गया यहाँ पर, बिकॉज माइनिंग इज नॉट अलाउड। तो भैया मेरे को कोल की जरूरत थी खाना पकाने के लिए, ये बहुत ही सही चीज थी। तो जब तक गाइस हमारे यहाँ पर खाना पक रहा है, तब तक मैं बात करना चाहूंगा तुम लोगों से कि गाइस मुझे अभी और इसी वक्त यहाँ पे ना अलग अलग टाइप की बायोम्स ढूंढनी पड़ेगी। ओके, बिकॉज अलग अलग बायोम के अंदर अलग अलग टाइप के ओपी स्ट्रक्चर्स होंगे, एंड देन मुझे बस नेदर के अंदर जाना। नेदर के अंदर तो दी बेस्ट स्ट्रक्चर्स है गाइस इस पूरे के पूरे मॉड के। ओ हो हो, जंगल बायोम, एंड जंगल बायोम के साथ ही गाइस एक और स्ट्रक्चर मिल चुका है मेरे को यहाँ पे। लेट्स गो भाई, ये वाले स्ट्रक्चर्स तो बहुत आसानी के साथ मिल रहे मेरे को यार, कौन सा हो सकता अभी देखते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड गाइस। जंगल टेम्पल है? नहीं भाई, ये जंगल टेम्पल नहीं हो सकता है। ओ, इसकी दीवारें कुछ ज्यादा ही बड़ी है यार। लेट्स गो गाइस, क्या ये Decaying Glory? Okay, I have no idea इसका मतलब क्या हुआ। अभी मेरे को फोर्ट्रेस की तरह लग रहा है, जैसे हमारा नेदर फोर्ट्रेस होता है, आई गेस गाइस हमारा जंगल फोर्ट्रेस है ना, एग्जैक्ट सेम। ओ माय गॉड, यहाँ पर चेस्ट भी रखी हुई है। चेस्ट के अंदर क्या है? बहुत सारा गाइस, मुझे इसी की तो जरूरत थी। ये देखो, मेरे को लैगिंग मिल चुकी है, नाइस। यस 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 गाइस, ये हमारा जंगल फोर्ट्रेस, ये देखो यहाँ पे एग्जैक्ट सेम नेदर फोर्ट्रेस की याद आ रही है मेरे को इस स्ट्रक्चर के साथ। फोर्ट्रेस, अबे मकड़ू जाओ यहाँ से यार, अभी मेरे पास तेरे लिए यहाँ पर टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। ओ यस, एक और चेस्ट मिली, चेन मेल लेगिंग की गाइस एक और चेस्ट प्लेट मिल चुकी है। हम लोग गाइस अब यहाँ पे कंप्लीट आर्मर के साथ एकदम ओपी बन चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। और यस, मुझे ये भी मिल गया यहाँ पे शवल। इस चेस्ट के अंदर क्या है? एक स्टोन की स्वॉर्ड मिली, ये भी सही है भाई साहब। सारा का सारा सामान मेरे को यही पर मिल रहा है। यहाँ पर एक और यस आयन मिला है मेरे को, मैंने बोला तेरे को भाई टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है मेरे पास यार, निकल यहाँ से। ओ यस, देखो पानी मैंने यहाँ पर भरना भूल गया था इसके अंदर, इसको पानी भर के रखते हैं, नाइस। भैया ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, देखो वहाँ के लिए भी जा रहा है, वहाँ के लिए भी जा रहा है, यहाँ से भी आगे के लिए जा रहा है, भाई जिंदगी भी जाएगी इसको पूरा एक्सप्लोर करते करते। तो गाइस अभी तक मुझे यहाँ पर ना एक भी ओपी चेस्ट नहीं मिली है, मुझे बस ओपी चेस्ट की जरूरत है। कहाँ पर है हमारी ओपी चेस्ट भाई, छुपाई हुई तुम लोगों ने, प्लीज हमें बताइए। ओ माय गॉड गाइस, ये अंडरग्राउंड जा रहा है यहाँ पे। हेलो सर, आप यहाँ पर किस चीज की रखवाली कर रहे हैं? किसी ना किसी चीज की गाइस ये बंदा यहाँ पे रखवाली कर रहा है। लेट्स सी यहाँ से आगे क्या है। ओ वहाँ पर लास्ट में गाइस एक चेस्ट है, वहाँ पर लास्ट में एक चेस्ट है, बट उस तक पहुँचने के लिए मुझे सांस की जरूरत है भाई, मैं मर भी सकता हूँ अभी। अपन मरने का रिस्क नहीं ले सकते, यहाँ पर रिस्पॉन पॉइंट सेट करके रखते हैं, और सबसे पहले इस बदसूरत को मारता हूँ मैं। भाई मुझे जाने दे प्लीज, प्लीज सर, प्लीज सर जाने दे मुझे, मेरी सांस जा रही है गाइस, जल्दी जल्दी मेरे को इसको लूटना है। ओ माय गॉड, इसके अंदर बहुत सारे डायमंड्स है और एक सैडल है, और बाकी का तो फालतू का सामान है इसके अंदर। यस, ओ नहीं नहीं, प्लीज 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 प्लीज, जल्दी भाग चल, जल्दी भाग चल, मैं मरने वाला हूँ, जल्दी। ओ बच गया। ये पूरे 6 डायमंड्स मिले गाइस मेरे को,
अब इन 6 डायमंड के साथ मैं करूँ क्या? फिलहाल को मेरे पास आयन का सामान बना हुआ है, इन 6 के 6 डायमंड्स को गाइस एकदम सेफ रखते हैं। एंड गाइस अब मैं जाने वाला हूँ नेदर के अंदर। मैंने बोला था ना गाइस तुम लोगों को कि भाई ये बहुत ही ओपी स्ट्रक्चर्स होने वाले हैं। ओहो भाई साहब, ये तो नए टाइप का विलेज है कोई। ये कौन सा विलेज है? अ टाउन ऑफ द फॉरेस्ट। ए देखो भाई इस बेवकूफ को कहाँ फंसा हुआ है भाई। रात हो रही है बाहर, तू यहाँ पर अपने छत के ऊपर टहल रहा है। जा अंदर, मॉन्स्टर आएंगे मार देंगे तुझे। अच्छा मैं थोड़ी हेल्प करूँ तेरी, जा। और गाइस तो नेदर के अंदर के स्ट्रक्चर्स देखने के लिए अगर तुम लोग एक्साइटेड हो ना तो इस वीडियो पे भाई लाइक मारो, बहुत ज्यादा मजा आने वाला नेदर के अंदर, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। पूरे 1.5 लाख लाइक गाइस अगर इस वीडियो पे आते हैं तो ऐसे ही और ओपी ओपी मॉड्स के ऊपर वीडियोस बनने वाली है, काफी ज्यादा मजा आने वाला है गाइस। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। नो 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 नो, मारियो मत, मारियो मत, मारियो मत, मारियो मत, मारियो मत। अरे भाई साहब इस बेवकूफ ने ठोक दिया था मेरे को यहाँ पे, बच गया मैं अभी अभी यार, उस बेवकूफ ने ठोक दिया था मेरे को सच्ची में अभी। अब नेदर के अंदर गाइस अगर अच्छी खासी खोजबीन करनी है ना तो अपने को सबसे पहले ये बनाने पड़ेंगे। ओके तो ऐसा करते हैं भाई, अरे परे गेड़िया मारते हैं, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। मैं काफी देर से लेके घूम रहा भाई, नेदर अभी तक डिसअपॉइंटमेंट दे रहा है मेरे को, कुछ भी ओपी मुझे मिला नहीं अभी तक। ओह नीचे कुछ तो है, अबे नीचे तो एक पूरी की पूरी शिप है बनी हुई भाई, मुझे जाना है नीचे, पर मैं नीचे जाऊं कैसे भाई, पूरी की पूरी शिप है। ओके मुझे नीचे आने के लिए रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अच्छा यहाँ से रास्ता नीचे आने का, नाइस। चलो 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 चलो, आऊ। ओए जाए ऐसे, मेरी एक्साइटमेंट की ऐसी तैसी मत कर। गाइस हमारा पहला ओपी स्ट्रक्चर मिल चुका है हमें नेदर के अंदर का, राइट। ओके मेरे को बस यहाँ से फिर रिजॉर्ट करना है, लेकिन गाइस मुझे ना वहाँ पर बहुत सारे कालू दिख रहे हैं यार, ये लोग जैसे ही मुझे स्पॉट करेंगे ना भाई मेरे को पेलने आ जाएंगे सीधा ही। और बस लावा के अंदर नॉक बैक ना मार दे मेरे को, ये वो डर है मेरे को लगा हुआ। ऑलराइट गाइस तो अब समय आ चुका है अपने डायमंड्स का इस्तेमाल करने के लिए। नाउ लेट्स गो गाइस, बहुत ज्यादा सतर्क होके किसी के भी कॉन्टेक्ट में नहीं आना है। द हवरिंग विदरिंग वेसल। ओके देख लिया से मेरे को, देख लिया से मेरे को। नहीं 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 सर, आपको मैं नीचे धक्का दे दूंगा। यस मर गया। अरे भाई वाह, ओ एक कालू ऊपर भी है गाइस। अब ये ऊपर क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, बट इससे आई गेस मुझे खतरा नहीं है बिकॉज मुझे स्पॉट ही नहीं कर पाएगा, राइट। ऊपर ही रहियो बेटे, नीचे मत आइयो। ओ माय गॉड गाइस, मुझे ना बहुत सारे विद स्केलेटन्स की आवाजें सुनाई दे रही है। गाइस ये हमारी ना एंड वाली शिप है यार, अगर मेरे को इसके अंदर इलाइट्रा मिल गई ना भाई साहब मजे पड़ जाएंगे। यहाँ से आगे होता है हमारा एक स्कल, यहाँ पर एक विद स्केलेटन का स्कल लगा हुआ है ड्रैगन स्कल की जगह पे। अरे भाई साहब क्या बात है यार। एंड आई गेस यहाँ पर हमारी एंट्रेंस होनी चाहिए। यहाँ से नीचे आने के एंट्रेंस गाइस यहाँ पर है, ठीक है। मेरे को ना इस बंदे से बहुत ज्यादा डर लग रहा है, इस बंदे का रास्ता बंद करना पड़ेगा, इसने मुझे स्पॉट कर दिया है। ओह व्हाट द हेल इज दिस। अरे नहीं 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 नहीं, मैं मर गया 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 मैं मर गया। अभी भाग ऐसे वापस। ओ भाई फायर एस्पेक्ट इस बंदे के पास लगा हुआ, बड़ा चालू है भाई ये तो यार। मैं बच गया, ये गोल्डन एप्पल खाते हैं, अब चलते भाई। अब कुछ भी जाए इस बंदे को नॉक बैक करना ही पड़ेगा या तो मारना पड़ेगा। आ जा बेटे तेरे पास, फर्स्ट ट्राई पे उसने मेरे को विद द स्केलेटन स्कल दिया अभी अभी, और इस पे तो लूटिंग 3 भी नहीं लगा मेरे पास यार। भाई बहुत ही लकी था ये जो भी था। ओके अब यहाँ से नीचे टोटल कितने विद स्केलेटन्स होने वाले भाई मुझे आइडिया नहीं है, मेरे को बस इनको पेलना है। यस गाइस वही हमारी एंड सिटी वाली लूट है ये, फायर एस के पोर्शन है यहाँ पर। भाई साहब कुछ ना कुछ तो वहाँ पे लगा हुआ है, लाइटर लगी है, फिर जूते लगे हुए हैं कोई, एंड डेफिनेटली इसकी प्रोटेक्शन के लिए भी यहाँ पर बहुत सारे तो होंगे ही होंगे। आ देखो देखो देखिए वापस चला गया ये बंदा भाई मेरे, कितने बुरे हाल है भाई बॉडी गार्ड, इनके लिए रास्ता मुझे बनाना पड़ रहा है। यहाँ से चल फटाफट, चलो 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 यहाँ से चल ऊपर, जल्दी चल जल्दी चल। ओके ओ मेरे लगे मेरे लगे मेरे लगे मेरे लगे, पीछे अभी तक मेरे नहीं है पीछे। भाई साहब ने ठोक दिया था मेरे को अभी। आजा भाई तुझे क्या लगता है तू मेरे को यहाँ पर मारेगा, ब्रिज के ऊपर मारेगा मेरे को, तू मेरे बनाए हुए ब्रिज के ऊपर तू मेरे को मारेगा बेटे, भागे ऐसे चल। ओके और देखते हैं नीचे कितने विद स्केलेटन बचे हुए हैं, क्योंकि अब गाइस समय आ चुका है वहां पर उसको लेने का। है कोई एक आधा और कोई नहीं है, एक बैनर मिला मेरे को भाई बहुत ही खतरनाक वाला, कोई बात नहीं इसको भी चोरी करके रखते है। एंड यहाँ पर क्या है ये देखना पड़ेगा। ओ माय गॉड यहाँ तो जूते हैं, वो भी नेदरराइट के, कर्स ऑफ बाइंडिंग कर्स ऑफ वैनिशिंग फेदर फॉलिंग 4 लगा हुआ है, इससे मुझे मरना नहीं पड़ेगा, दैट्स इट है ना। बट मेरे पास फिर गोल्ड नहीं बचेगा ना, इसको मैं बाद में पहनने। अरे गोल्ड मिल गया बहुत सारा। ओह माय गॉड कितना सारा आयन है यहाँ पे, कितने सारे नेदरराइट के इंगेट्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बॉटल ऑफ एंचेंटिंग भी पड़ी हुई है, इसको भी लेके चलो। गाइस मेरे पास एक बहुत ही मस्त आइडिया आ चुका। ओह माय गॉड मैं फुली स्टैक हो चुका गाइस, यहाँ पे शार्पनेस 4 वाली स्टोन की स्वॉर्ड मिली है, एंशिएंट डेब्रिस भी 3 मिले मेरे को भाई साहब ओपी। ठीक है सबसे पहले मैं कर्स ऑफ बाइंडिंग वाले लगा देता हूं, कोई चक्कर नहीं है,
गाइज एटलीस्ट इसमें फैदर फॉलिंग 4 लगा हुआ है, बहुत ज्यादा काम आने वाला है ये, बहुत ही ओपी लूट थी ये वाली। एंड मैं अपने लिए बनाने वाला हूं एक ये, इसको फेंक देंगे एंड इसको पहन लेंगे। एंड कभी गलती से गाइज अगर मैं मान लो भगवान ना करे लावा के बीच गिर जाऊं, तो उस टाइम के लिए पोशन भी लेके रख देते हैं यार। जब फ्री का माल मिल रहा भाई तो मैं क्यों जाने दूं यार, मेरे को बताओ। अब गाइज लेट्स गो, एक अगला ओपी स्ट्रक्चर फाइंड करते हैं। ये क्या भाई एकदम से सोल स्पीड 3 लगा हुआ है इसमें, वही मैं देख रहा भाई, डर ही गया था एक सेकंड के लिए तो मैं। इतना फास्ट चल रहा है ये, दिख भी नहीं रहा मेरे को, मर भी सकता हूँ मैं ऐसे करके तो। नो 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 नो, मैंने क्या बोला था, गिर गया ना। और मुझे ना भाई बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही इन जूतों को पहन के, तो भाई कुछ ढंग से दिख ही नहीं रहा है। अबे यार ये मोटा मेरे पीछे पड़ा हुआ है। नो अच्छा फायर रेस का पोशन लगा मेरे को, थैंक गॉड। फायर रेजिस्टेंट की वैक्सीनेशन लगाई हुई है मैंने ऑलरेडी, इसीलिए बस किया मैं अभी। ओह माय गॉड गाइस, वहां पर एक और स्ट्रक्चर दिखा मेरे को अभी जस्ट, मेरी शिप के कितना ज्यादा नजदीक है वो वाला स्ट्रक्चर। चलो भाई साहब लेट्स गो, जितना फास्ट जा सकते लेट्स गो, छलांगे मार मार के जाएंगे गाइस, पूरा का पूरा पार्कोर करके जाएंगे यहाँ से अंदर। क्या है ये स्ट्रक्चर? ये तो भैया मेरे को पिरामिड जैसा लग रहा है, पिरामिड जैसा। लेट्स गो इनसाइड। क्या ये द पिरामिड? यस दैट ब्रिजेस वर्ल्ड। भाई ये कोई अनोखे टाइप का लग रहा है मेरे को। सबसे पहले मेरे को बस इसको रोकने दो यार, ये गन पा रहा है, और इस वाले को तो इसने रोका हुआ है। नाइस, वहां पर एक चेस्ट रखी हुई है भाई साहब, खतरनाक। यस क्या है? इसके अंदर वो था TNT ट्रैप था इसके अंदर। नो, प्लीज मैं ना मरूं। ओके अरे मेरी वो गई, मेरी चेस्ट गई गाइस, इसके अंदर वो। ओह माय गॉड मैं कैसे भूल गया, पिरामिड के अंदर तो गाइस हम लोगों के लिए TNT का ट्रैप भी छाया होता है ना यार। पता नहीं क्या क्या बुक्स थी उसके अंदर, कुछ तो मुझे दिखा था बढ़िया सा। कोई बात नहीं, ये वाली गाइस हमारी जो लूट है ना ये पूरी की पूरी वेस्ट हो चुकी है। अब भैया मेरे को कुछ और ही ढूंढना पड़ेगा। Another structure, guys. Let's go. No! Please. मरियो मत. Ruined Nether history. वाह भाई वाह। So guys, आज हमें पढ़ने के लिए मिलने वाले। What the hell? वहाँ पर उनको धुलाई हो रही भाई, वहाँ पे बुरे तरीके से भाग रहा है ये। तो गाइस आज हमें यहाँ पर नेदर की हिस्ट्री जानने के लिए मिलने वाली है, लेट्स गो। थोड़ा ना मेरे पास खाने की कमी हो रही है। तो गाइस अपन सोच रहे हैं कि इन दोनों बबुओं को मार दिया जाए। मर जाओ, शाबाश, खाना दे दो। वो वहां पर चेस्ट है। ओके लेट्स सी गाइस इसके अंदर क्या मिलता है हमें। प्लीज कुछ एपिक मिल जाइए भाई, यहाँ पर विदर बना हुआ है इसके ऊपर, वाओ। प्लीज कुछ बहुत अच्छा मिलियो। जय माता दी, एक गोल्डन एप्पल, ये अच्छा है, एक्चुअली अच्छा है ये गोल्डन एप्पल। ओके यहाँ पर मैंने पूरी पूरी लूट कर दिया, कुछ ज्यादा खास था नहीं यहाँ पे। नाउ लेट्स गो फ्रॉम दिस प्लेस गाइस। अरे वाह 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 भाई, मुझे गाइस एक और यहाँ पर एक बहुत ही यूनिक सी चीज दिखी है अभी, जो कि ये वाला टापू। देखो भाई हवा में तैर रहा है वहाँ पे, मेरे को शक है भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें मिल सकता है। गाइस वो एक एंड सिटी है, नॉट इवन जोकिंग ब्रो। एक सेकंड भाई मेरे को कंफर्म करना पड़ेगा, मेरे को पहले बहुत सारे ब्लॉक्स चाहिए यहाँ से, मुझे कंफर्म करना कि एंड सिटी है कि भाई कुछ और है ये। अगर गाइस ये एंड सिटी हुई ना तो मैं एकदम पागल हो जाने वाला हूँ यहाँ पर खुशी के मारे। क्या लगता है गाइस तुम लोगों को कि एंड सिटी है कि नहीं है? अगर लगता है कि है तो फटाफट लाइक करो इस वीडियो को अभी और इसी वक्त, एंड अगर लगता है कि नहीं है तो सब्सक्राइब करो। एंड गाइस ये ना हमारी एक एंड सिटी है पूरी की पूरी। गाइस ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक वाला ओपी स्ट्रक्चर है, एंड यहाँ पर बहुत सारे ब्लेजेस भी है, हमले स्टार्ट हो चुके हैं। एक सेकंड मैंने इसको नीचे निकाल के रखने वाला हूँ, हु नोस कभी कोई गलती हो जाए तो इसको पी लूंगा फटाफट, ठीक है? अभी तो खासकर मैं रिस्क नहीं ले सकता मरने का। अभी भैया इस पूरी की पूरी एंड सिटी को लूट मारना मैंने। बस, रुक जाओ, ज्यादा एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। ब्लेजिंग सिटी, ओह माय गॉड, इसका नाम है गाइस ब्लेजिंग सिटीज, मींस इसके अंदर शायद मेरे को बहुत सारे ब्लेजेस मिल सकते। अरे 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 सर 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 सर, ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है आपको, बस ब्लेज डॉट्स दे दो मेरे को। मेरे को यहाँ पर गाइस फोर्ट्रेसेस ढूंढने की जरूरत नहीं है। वाह भाई वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ से हमारी एंट्रेंस है सिटी की, यहाँ से ऊपर चलते हैं। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई, एंड मुझे ऐसा फील होता है गाइस कि ये है गाइस वो वाली सिटी जहाँ पर सबसे ओपीएस्ट ऑफ द ओपीएस्ट लूट्स मिलने वाली है हमको। एंड मेरे पास अभी एक प्लान है, इन चारों को यहाँ पे रखेंगे, इन दोनों को यहाँ पे रखेंगे, एंड एक स्मिथिंग टेबल बनाने वाला हूँ मैं सबसे पहले। यू नो व्हाट, मेरे पास यहाँ पे 3 नेदरराइट इंगट्स है ना, तो इसको मैं नेदरराइट की पिकेक्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ क्यों ना। अब फिलहाल को इसके अलावा तो गाइस मैं कुछ और कर नहीं सकता हूँ। लेट्स गो, ओ बहुत सारे है, मर जाओ, शाबाश, एक और है, ये और है क्या? चेस्ट कहाँ पे रखी है भाई, चेस्ट बताओ। ऊपर जाने के लिए गाइस सीढ़ियों की जरूरत नहीं है, सीधा इन वाइंस के थ्रू चलते ऊपर। अब गाइस यहाँ पर हमारी असली भूल भुलैया स्टार्ट हो चुकी है। ओरे भाई साहब बहुत सारे ब्लेजेस है, रुक जाओ, अरे लोग हवा में उड़ रहे हैं ना,
तो फिलहाल को मैं भी इनको डिफीट नहीं कर पाऊंगा ऐसे करके, मुझे कहीं ना कहीं कवर लेना पड़ेगा एक बार। यहाँ से ऊपर चलते हैं और यहाँ से अंदर मैं कवर लेने वाला हूँ। यहाँ से अंदर एक और है, आपको मरना पड़ेगा भाई साहब। ओ यहाँ से ऊपर पहली चेस्ट है गाइस। यस यस, इतने सारे है। आ जा, छुप मत। ओ वहां पर मुंह के सामने स्पॉन हुआ ये वाला बंदा। ओवरऑल दो ही आई है अभी तक। तू देगा? इसने भी नहीं दिया गाइस। 50 ब्लेज मार चुका, सिर्फ दो ही ब्लेज रॉड्स मिली है। बहुत ही घटिया रेट है। और इसके अंदर गाइस एक नेदर रेड की चेस्ट प्लेट रखी हुई है, और सिर्फ एक ही चीज थी गाइस इसके अंदर, जो कि नेदर रेड की चेस्ट प्लेट। भाई साहब खतरनाक है भाई ये तो। लेट्स गो गाइस, अब यहां से मेरे को जाना है ऊपर। ये बहुत ही बड़ी सिटी है भाई, पूरी की पूरी लूट मारनी मैंने, ये एक भी चेस्ट छोड़नी नहीं यहाँ की मैंने। अरे तो यहाँ से ऊपर पहुंच चुके हैं, अब वहां पर जाना है मैंने और यहाँ पर जाना है मैंने। पहले मैं यहाँ चलता हूँ ऊपर के लिए। ओके, यहाँ से ऊपर भी शायद से एक आधी चेस्ट और मिल जाए मेरे को। यस, वहां पर एक और चेस्ट है। लेट्स सी इसके अंदर क्या है। अरे भाई वाह, 7 के 7 ब्लेज रॉड मुझे यहीं से मिल चुकी है। यस ये है गाइस। आ यहाँ पर कालू है। कालू नहीं नहीं, दोनों कालू यहाँ पे। नहीं, मैं गया। I am dead। यहाँ से अंदर भी कालू है। ओके, बंद कर भाई, खुद को बंद कर। शाबाश, मैं बच गया। अरे भाई साहब, 2.5 हर्ट से बचा था मैं भी। ये बहुत ही रिस्की था। जय माता दी। गाइस अब समय आ चुका है शार्पनेस 4 की स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने का। मरियो मत प्लीज। ब्लेज महाराज मर जाओ आप भी। ब्लेज रॉड्स तो गाइस मैं पूरी 8 आ चुकी है। अब बस मेरे को पर्ल्स वगैरह की जरूरत है। अगर पर्ल्स मिल जाए तो मजे आ जाएंगे। ओ वहां पर एक बड़े वाली चेस्ट है भाई। इसके अंदर क्या ओपी चीज होगी। लेट्स सी दिस। भाई मैं इतना बड़ा बेवकूफ गाइस क्या ही बोलूं यार। मैं इतनी देर से लेके पता किस चीज के लिए यहाँ पे तरस रहा हूँ। वह लकड़ियाँ। अरे भाई साहब, दुनिया भर की लकड़ियाँ तो यहीं पर है। देखो ये लकड़ियाँ क्या है। क्या आपसे प्लैंक बन सकते हैं? यस। और मेरे को ना बस यहाँ पे भी गाइस खाने के लिए नीचे चाहिए। मेरा ना खाना सारा खत्म हो चुका है। मेरी भाई बुरे तरीके से लगने वाली है। अभी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अपने को लकड़ी का सामान चाहिए सबसे पहले। सर इसको पहले कवर करो यहाँ से, ठीक है भाई? अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं तुम लोगों को बताता हूँ गाइस। मेरी शील्ड जाने वाली भाई साहब, और अगर गलती से शील्ड खत्म होगी ना लड़ाई के बीच में तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी मेरे साथ। यहाँ से ऊपर गाइस और चेस्ट है, मुझे पूरा यकीन है। इसीलिए यहाँ पर इतने सारे ब्लेजेस है जो उन चेस्टों की रक्षा कर रहे हैं। कहाँ से हमले हो रहे हैं? अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, रुको, कोई टेंशन नहीं है भाई। अब गाइस ये पार्कोर मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा यहाँ से ऊपर जाने के लिए। यस माडी भाई, कम ऑन, नीचे नहीं गिरना। शाबाश बेटा। ये पक्का नीचे गिराएंगे मेरे को भाई। यहाँ से ऊपर चेस्ट है भाई साहब रखी हुई, मुझे पता है यहाँ से ऊपर चेस्ट है, इसीलिए तुम लोग स्पॉन हो रहे हो। ओ माई गॉड, ओ यस यस यस, वहां पर चेस्ट है। आजा मार। यस, मैं यहाँ से ऊपर जाने वाला, एक बार हील करते गाइस खुद को जरा। नाउ गाइस लेट्स गो। इन चेस्टों के अंदर क्या हो सकता है? कुछ ना कुछ बढ़िया हो गए। 2 आखिरी चेस्ट है गाइस यहाँ की है। चलो गाइस चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। 3, 2, 1 कुछ बढ़िया मिले प्लीज। डायमंड लेगिंग मिली। इसके अलावा प्रोटेक्शन ए तो नहीं चाहिए भाई, मेरे को डायमंड की चाहिए थी। बहुत सारी एंटरपल्स भाई, मुझे तो बैशन के अंदर जाने की जरूरत नहीं। और ये क्या है? बैशन रेमिनेंट का मैप मिला। मेरे बोलते ही गाइस, ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। इसके अंदर क्या है? यस गाइस, मेरी पूरी हंट यहाँ पे खत्म हो चुकी है। ओवरऑल 13 एंडर पर्ल्स है। मेरा काम हो गया। अब देखो तुम लोग गाइस, मैं यहाँ पर कंप्लीटली स्टैक्ड हूँ। अब देखो इसमें जाएगा ये, नहीं ये मेरे पास ऑलरेडी है, ये मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ, थैंक गॉड मैंने देख लिया। इसके अंदर जाएगा ये। ओके, इसको नीचे निकालेंगे और इसको फेंक दो। चेन लेगिंग नहीं चाहिए। यहाँ पर आ चुका गाइस नेदरराइट का ऑलमोस्ट पूरा आर्मर सिवाय गोल्ड के हेलमेट के। इनफैक्ट गाइस 3 डायमंड में पड़े हैं ना, मैं सोचा गाइस इसका भी इस्तेमाल कर ही लिया जाए। एंड इसको भी गाइस हम लोग कंप्लीट यहाँ पे नेदररैक का बना देने वाले हैं, एकदम परफेक्ट। एंटर ड्रैगन की तो मैं बैंड बजाने वाला हूँ। तो भैया इसी खुशी में गाइस अभी सिटी से एस्केप करने का समय आ चुका है। चल भाई। मैं भूल गया था मेरे पास यहाँ पर ये लगा हुआ है इसमें नीचे। कितनी घटिया है भाई वाली एंचेंटमेंट यार, सोल स्पीड वाली। पॉजिटिव से ज्यादा खतरनाक तो नेगेटिव है। चलिए यहाँ से भाग जा छोटे। ओके गाइज, मैं एक चीज यहाँ पे अभी टेस्ट करना चाहता हूँ। ओके, इतने सारे स्ट्रक्चर्स गाइज यहाँ पर ऐड हुए हैं, क्या नेदर के अंदर स्ट्रॉन्ग होल्ड भी ऐड किया हो सकता है? अभी मुझे आइडिया नहीं है। बच्चों से ना मुझे नफरत है, इन बच्चों से मुझे एकदम नफरत है। चल भाग जा अपनी मम्मी के पास, पीछे ना ही मेरे इसके बाद। ओके, इसको फेंक के देखते हैं गाइस क्या ये जाएगा। ये जा रहा है, इसका मतलब है गाइस कि नेदर के अंदर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, मतलब हम लोगों को ओवरवर्ल्ड में जाने की जरूरत ही नहीं है। वाओ गाइस ये तो बेस्ट है यार, मैं बहुत सारे ब्लॉक्स निकाल रहा हूँ। एंड लेट्स गो, स्ट्रॉन्ग होल्ड की खोज आज हम लोग
यहीं पर करने वाले नेदर के अंदर। मैं वैसे गाइस बहुत ज्यादा नजदीक हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड के, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि यहाँ पे इसका ना एंगल बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है हमारी आई ऑफ एंडर का। मैं कहाँ गुफा के अंदर घूम रहा हूँ यार। ओह यहाँ से ऊपर एंट्रेंस है, आई गेस यहाँ से मैं बाहर जा सकता हूँ। लेट्स सी। यस, ओह यहाँ पर एक पोर्टल है। प्लीज भगवान जी मुझे बता दो कि कंप्लीट हो सकता है। 1, 2, 3, ये 3 जाएंगे और एक यहाँ पे लगाना, 4 चाहिए इसके अंदर बस। ओह नो, इसके अंदर सिर्फ 2 ही है यार, मेरी किस्मत खराब है। नो, ओ यहाँ पर पीछे है ना। ओह माय गॉड, मेरी किस्मत देख रहे गाइस, 2 यहाँ पर है रखे हुए। मैं सोच रहा हूँ ना अभी मैं ओवर वर्ल्ड में चलता हूँ गाइस, बिकॉज मेरे पास खाना नहीं है एंड अंडर ड्रैगन फाइट के लिए खाने की जरूरत तो पड़नी ही है। और किस्मत देख रहे भाई, हवा में जाके लटका हूँ मैं, और यहीं से मुझे वापस भी आना है इसके बाद। ओह माय गॉड। ओके, जब पानी के बीच पहुंच चुके हैं तो मैं सोच रहा हूँ ना मछलियों को ही मारा जाए पेट पूजा के लिए। ओके गाइस, 22 मार चुका है गाइस, इतनी काफी है, बट अब यहाँ से ऊपर कैसे जाऊँ यार। किस्मत ही खराब है अपनी, तो पानी के बीचों बीच हवा में पोर्टल लटका हुआ है मेरा यार। मुझे ना ऊपर से वाटर बकेट को नीचे लगा देना चाहिए था इससे पहले यार, अक्कल नाम की चीज नहीं है मेरे अंदर यार। अब सबसे पहले तो ब्लॉक्स खोदने पड़ेंगे ऊपर जाने के लिए। लेट्स गो, अब गाइस वापस चलते हैं बिकॉज हम लोग स्ट्रॉन्ग होल्ड के बहुत ज्यादा नजदीक है। और गाइस इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड। ओह सोल स्पीड 3 भाई, गलत है यार सोल स्पीड, मेरे को सोल सैंड के ऊपर चलना ही नहीं है यार। मैं भी एक्चुअली डर गया था कसम से, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा इसके साथ यार, मेरे को डर लग रहा है यार कसम से। ओ नीचे बैशियन है भाई साहब, क्या बात है। व्हाट द हेल इज दिस नाउ, अब ये क्या चीज है भाई, मैंने पहना हुआ है ना गोल्ड का, ऑलमोस्ट टूटने वाला बट अभी चलेगा। डोंट टेल मी कि कैसे हमारा टावर है वो वाला विलेजर्स का जो आउटपोस्ट होता है, मुझे लग रहा है भाई है यार। अरे भाई नए नए स्ट्रक्चर्स मिले जा रहे हैं, मुझे एक्चुअली इसको एक्सप्लोर नहीं करना था, लेकिन भाई अब एक ओपी स्ट्रक्चर मिला है तो भाई क्यों ना मैं सोच रहा हूँ इसको मैं टेस्ट ही कर लूँ यार। अरे भाई मेरे को देखने का है इस चेस्ट के अंदर क्या है। ओ गोल्ड है इसके अंदर, नहीं चाहिए गोल्ड। पावर 2 वाली बो मिली है, अच्छी चीज है। और इसके अंदर देखते हैं क्या है। ये बाई गॉड गाइस, मेरे को इससे पहले एरोस की जरूरत थी, जब मैं बाहर गया था मैंने एरोस लेकर आना ही भूल गया था। एंड खाने के लिए भी देखो यहाँ पर मुझे क्या मिला है, मुझे खाने के लिए यहाँ पर कुक्ड पोर्क चॉप्स मिले, वो भी 14। एंड इसके ऊपर मेंडिंग एंड अनब्रेकिंग 3 लगा हुआ है, मुझे ये वाली बो भी चाहिए अपने लिए। मच लेटर। अभी भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, प्लीज टूटे मत। टूट गया, अब मेरे पास एग्जैक्ट 12 बचे, प्लीज मिल जाए यार। एक और बैशन मिला। ओ माई गॉड ये क्या है भाई साहब नीचे, प्लीज टेल मी कि वही है जो मैं चाहता हूँ बड़ी देर से लेकर। मैं इसकी दीवार में छेद करने वाला हूँ एंड देन मैं खुद यहाँ से नीचे जाने वाला हूँ यूं करके, और कोई इजी तरीका नहीं पता है मेरे को। बेटे बेटे मौज कर दे। बहुत ही बड़ी गलती होगी थी मुझसे भी गाइस, बहुत ही बड़ी गलती होगी थी मुझसे अभी। थैंक यू सो मच फेदर फॉलिंग 4, फेदर फॉलिंग 4 ने बचा दिया। गाइस गाइस ये हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड हो सकता है, प्लीज टेल मी कि ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ओके इसको मैं खोद के देखने वाला हूँ आई गेस। क्या ये आई स्पाई द नेदर गाइस, आई स्पाई का मतलब समझते तुम लोग, आई स्पाई का मतलब होता है कि नेदर पोर्टल ही है, आई मीन स्ट्रॉन्ग होल्ड ही है। यहाँ पे लोडस्टोन रखा हुआ है, लोडस्टोन नहीं चाहिए, बस उस पोर्टल रूम को ढूंढने से पहले गाइस मैं कुछ ये लकड़ियां चाहता हूँ यहाँ पे। अब इसके अंदर गाइस हमारा पोर्टल रूम कैसा होगा मुझे आइडिया नहीं फिलहाल को, बट मैं बहुत एक्साइटेड उसको ढूंढने के लिए। भाई कितना ज्यादा लावा चुड़क रहा है, मीन्स अगर मैंने एक को खोला तो शायद मेरे को लग ही रहा था ऊपर बहुत सारा लावा होगा ऑफकोर्स। Yes! ये हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड ही है। Oh my God! अरे नहीं नहीं, अरे मेरे को मिल भी गया, मेरे को वाला रूम मिल भी गया, बहुत जल्दी मिल गया। प्लीज जाओ, मेरे पास एक आइडिया है, इसको तोड़ो। Yes! अरे 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 अरे, जो नॉर्मल वाला हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है उसके अंदर कितने अच्छे होते गाइस, वो छोटे छोटे जेली वाले है ना, वो फिश सिल्वर फिश। यहाँ पर पूरा का पूरा ब्लेज का स्पॉनर लगाया है, भाई क्या पागल समझा है क्या इन्होंने हमको है। यस यहाँ से ऊपर गाइस चेस्ट हमारी, वो भी पूरी 4 चेस्ट है। इसके अंदर क्या है। यस यहाँ पर 2 आयरन के गेट मिले, प्लीज एक मिल जाइए। यस ओवरऑल 3 मिले यहाँ पर मेरे को, 35 हो चुके गाइस। भाई मेरे ऊपर ही आ गए मारने के लिए, निकल यहाँ से। मुझे एक्चुअली गाइस ये बनाना था यहाँ पे ना फाइनल फाइट से पहले, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर मेंडिंग एंड पावर 2 को एक साथ जोड़ देते हैं। Yes! अब इसमें मेंडिंग लगा हुआ है ना, तो गाइस समय आ चुका है Yes, इसको मारने का, ताकि यहाँ पर रिपेयर भी होती रहे साथ साथ में। Okay, मैं अपने एरोस को वेस्ट क्यों कर रहा हूँ मुझे बताओ, मैं अपने एरोस को वेस्ट कर रहा हूँ, इसको हाथ में पकड़ के रखते हैं। आई हैव अ प्लान, जब तक कम्प्लीटली यहाँ पर रिपेयर नहीं होती ना गाइस, मैं ये फायर एस का पोशन पी के रखता हूँ। Yes, होने वाली है कम्प्लीट रिपेयर ये। Yes, guys, देखो तुम लोग कम्प्लीटली क्योर हो चुकी है मेरी ये वाली बो। अब आएगा ना बेटा मजा, असली मजा तो अब आएगा। ओके लेट्स गो। ओह यहाँ पर एक चेस्ट है, यहाँ पर गाइस डायमंड मिले मेरे को यार। व्हाट गाइस, आई हैव अ प्लान अगेन। इससे यहाँ पर एक ये बनाएंगे, स्मिथिंग टेबल को नीचे रखेंगे। यस
कवर मी विद नेदरराइट। भाई साहब यस, पूरा का पूरा नेदरराइट का आर्मर आ चुका गाइस अपने पास। और यहाँ पर और डायमंड मिले मेरे को, आर यू सीरियस ब्रो? और गाइस ये वाला स्ट्रॉन्गहोल्ड कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है ना, पूरा का पूरा लावा की लेक के नीचे बना हुआ ये। यहाँ देखो तुम लोग, एक ब्लॉक तोड़ना सीधा लावा ऊपर से नीचे गिरना स्टार्ट भी हो जाएगा। ओ माय गॉड, मुझे ऑलरेडी वो मिल गया था यार, मैं फिर से नया पर खो चुका हूँ। बट गाइस अगर तुम लोग अभी तक इस वीडियो में टिक चुके हो ना, मुझे पता है तुम लोगों को मजा तो बहुत ज्यादा आया होगा। लाइक करना बिल्कुल मत भूलना गाइस, इस वीडियो का लाइक एम 2 लाख लाइक्स का है। इतना ज्यादा मजा आया गाइस इस वीडियो को शूट करके ना। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ, मिल गया मेरे को ये, कि भाई एंड के अंदर क्या कोई स्ट्रक्चर होगा या फिर नहीं होगा। आई हैव नो आइडिया, फिलहाल को लग जाएगा भाई पता। एंड यहाँ पर तो मैं अपना ना रिस्पॉन पॉइंट भी सेट नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पर बेड नहीं लगा सकते। तो मतलब अगर मैं अंदर मरता हूँ ना भाई, तो मैं पता नहीं कहाँ पर स्पॉन होने वाला हूँ मैं। तो आज मेरे को एंड के अंदर अपनी प्योर प्रोग्री दिखानी पड़ेगी। सो गाइस लेट्स डू दिस। कहाँ पर है? ओपन है एंड द ड्रैगन। पहले मैं आसपास देखना चाहता हूँ। ओके, वहां पर मुझे कुछ तो दिख रहा है। ये हवा में वहां पर क्या कर रहा है? कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर है क्या वहां पर भी नीचे कहीं पर? नहीं है। आई डोंट नो गाइस कि एंड के अंदर मुझे कोई स्ट्रक्चर्स मिलने वाले हैं भी कि नहीं मिलने वाले हैं, बट अगर होंगे भाई तब तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है। एंड द ड्रैगन ही आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इस मॉड को खेलने के बाद मेरे चेहरे पर एक नेक्स्ट लेवल खुशी है, तू नहीं समझ सकती समझी, क्योंकि तेरा काम है सिर्फ और सिर्फ एंड में घेड़िया मारना, और कुछ नहीं है तेरा काम। भाग जा। यस, एक सेकंड भाई, पूरा नेदरराइट में कैसा दिखता हूँ मैं, तो मैंने देखा ही नहीं। भाई तुम्हारा भाई कितना एपिक लग रहा है इस पूरे नेदरराइट में। यस। तो क्या चल सत श्रीकाल, मैं हूं नियॉन मैन। इस बेशरम को देखो, जान मूझ के भाई अपनी आंखें बीच में लेकर आ रहा है ताकि मैं इसको देखूं। बड़े चालू होते भाई एंडरमैन्स भी कसम से। यस, एंटर ड्रैगन आंटी जी, प्लीज हमें बताइए कि आपने वो नए नए स्ट्रक्चर्स कहाँ पर स्पॉन करके रखे हैं। अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको जिंदा छोड़ दूंगा पक्का। यस एंटर ड्रैगन, तेरे पास भी थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, मुझे तू पहले ही बता दे कहाँ पर है वो अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स, कहाँ पर है वो अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। एक आखिरी वाला बचा गाइस ये वाला, और इसके लिए गाइस मैं एक बहुत बड़ा रिस्क लेने वाला हूँ, तुम लोग देखो अभी इसको वहां फेंकेंगे। आई हैव नो आइडिया, बचूंगा नहीं बचूंगा बच्चिया। फैदर फॉलिंग फोर एवरीबॉडी, फैदर फॉलिंग फोर। अब माई गॉड भाई मैं क्या कर रहा हूँ, खत्म हो गया था मैं। एंटर ड्रैगन बता दे, अभी मैं प्यार से बोल रहा हूँ तेरे को, बता दे मेरे को अभी भी कहाँ है वो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स, तुझे छोड़ दूंगा मैं। नहीं बताएगी, अब तू मरने वाली है। तेरे को सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता रहा जो कि स्मार्टी पाए, अब स्मार्टी पाए तेरे खिलाफ हो चुका है। इसको नीचे रखेंगे एंड इसको मारेंगे। ये हटी, थोड़ी सी हेल्थ गई भाई इसकी, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी हेल्थ, लेकिन मैं इसको इससे मारने वाला हूँ। देखो तुम लोग भाई, नेदरराइट से बहुत ज्यादा डैमेज मिलता है, बहुत ज्यादा, शार्पनेस से भी उतना ज्यादा नहीं मिल रहा है जितना नेदरराइट की एक्स से मिलता है। दिस मींस गाइस नेदरराइट रॉक्स। ओके चलो 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 चलो, एंडर ड्रैगन नीचे आ चुका है। यस 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 यस, मारो इसको मारो इसको मारो इस पकौड़े को। ये बचा, ऑलमोस्ट मरने वाला है तेरे को मैं एक शॉट तो मार के रहेगा बेटा। पावर टू वाली बोस, एक आखिरी एरो गाइस, आखिरी एरो बचा था मेरा ये वाला ना, मेरे पास एरोज भी नहीं है। नीचे आ रही है, ये तेरी आखिरी ट्रिप नीचे की समझी। दिस इज इट, ओके दिस इज इट। माय गॉड, 3-2 शॉट, बस एक आखिरी शॉट, आखिरी, नहीं उड़ गई। ओह माय गॉड, ये क्या है? अरे भाई साहब, तो मैं इसको फूंक भी मारूंगा ना तब ये मर जाएगी यार। मुझे अगर एक एरो मिल गया ना अभी, जो मैंने इससे पहले फेंके हुए थे इतने सारे, एक एरो को जमीन पे मिल जाएगा गाइस, तो इसको एरो से मार सकता हूँ मैं अभी। ओके मैडम जी, कोई बात नहीं, अगर आपको एरो से नहीं मरना है तो मैं आपको इसी से मारता हूँ, पत्थर की शॉट से मारने वाला हूँ मैं आपको अभी, ठीक है? ये आपके लिए बहुत शर्म की बात है। उड़ा दिया उसने मेरे को। जिंदगी में पहली बार गाइस मैंने एंडर ड्रैगन को स्टोन की शॉट से मारा है, ये भी बहुत ही एपिक मोमेंट है मेरे लिए। और लेवल्स तो देखो गाइस हमारे कितने हो रहे हैं, 69, हमारा फेवरेट नंबर। और गाइस इसी के साथ हमारा चैलेंज कंप्लीट होता हुआ। इस वीडियो का लाइक है गाइस 2 लाख लाइक का मुझे पूरा यकीन है कंप्लीट होगा। और मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रहते हो ऑसम, बाय बाय।